जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम वक्त को उस वक्त तक उससे लड़ा नहीं जा सकता जब तक वो नमाजी है। इसका दलील आती है सही मुस्लिम में 4801 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर ऐसे अमीर लगाए जाएंगे जिनमें तुम अच्छाइयाँ भी देखोगे और बुराइयाँ भी। जिसने बुरे कामों को नापसंद किया वो बरी हो गया, और जिसने इनकार किया वो बच गया, मगर जिसने पसंद किया और पीछे लगा वो बरी हुआ ना बच सका। यानी कि जिसने उनके उनके जो बुरे काम है अमीर के इनके कुरान के, उसको इनकार किया, कहेगा मैं इसको नहीं मानता, तो वो बच गया, बरी हो गया उन कामों से। और जिसने उनको पसंद किया बुरे कामों को, तो वो बरी ना हो सका। तो इस पर सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इनसे लड़ाई ना करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज़ पढ़ते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था जिसने दिल से नापसंद किया और दिल से बुरा जाना। तो इतनी अहमियत और फजीलत है नमाज की कि हाकिम वक्त तक उसके खिलाफ़ लड़ा नहीं जा सकता जब तक वो नमाजी है।